हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर द फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स ऑफ यूनिक पब्लिक स्कूल रैया। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 का सम नंबर 2। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम नंबर 2 में हमें क्या करना है, नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। जैसे मैंने फर्स्ट नंबर लिया 16, तो 16 के हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं। मीन्स 16 कौन कौन से टेबल में आता है, जैसे 16 वन के टेबल में भी आता है और वन के टेबल में सभी नंबर्स आते हैं। मीन्स वन क्या है, सभी नंबर्स का फैक्टर है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, वन मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 16। तो 16 का फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ, वन, और मीन्स 16 का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है वन और ग्रेटेस्ट फैक्टर है 16। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से लेस देन और इक्वल टू होते हैं। मीन्स 16 का फैक्टर सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा 16, इससे बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 2 के टेबल में। जैसे 2 के टेबल में 16 आता है, जैसे 2 8 16, तो सेकंड फैक्टर क्या हुआ 16 का, 2, एंड थर्ड है 8, क्योंकि 8 के टेबल में भी 16 आता है। 8 2 16। नेक्स्ट अब हम लेंगे 3, तो 3 के टेबल में 16 तो नहीं आता, इसके लिए आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। जैसे 16 को डिवाइड करेंगे हम 3 के साथ, तो 16 है हमारा डिविडेंड और 3 है डिवाइज़र। अब हम टेबल देखेंगे कि टेबल 3 के टेबल में 16 आता है, अगर नहीं आता तो 16 6 से छोटा नंबर लेंगे हम। सो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। तो 18 क्या है, 16 से बड़ा है, इसलिए हम 16 से छोटा नंबर लेंगे, 3 5 15। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे माइनस, 6 -5 1 एंड 1 -1 0। तो मीन्स जो 3 है 16 को प्रॉपरली डिवाइड नहीं करता, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है यहाँ पर 1 आया है, इसलिए 3 क्या है, 16 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट अब हम लेंगे 4, तो 4 4 कितने होते हैं 16, मीन्स 4 भी क्या है, 16 का फैक्टर है, 4 4 16। नेक्स्ट 5, तो 5 भी क्या 16 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 5 के टेबल में 16 नहीं आता। नेक्स्ट हम लेंगे 6, तो 6 के टेबल में भी स्टूडेंट्स 16 नहीं आता, आप साइड पे डिवाइड भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे 7, तो 7 के टेबल में भी 16 नहीं आता। नेक्स्ट 8, तो 8 के टेबल में क्या है, 16 आता है, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 8 2 16। ठीक है, नेक्स्ट 9, तो 9 के टेबल में भी 16 नहीं आता। 10 के टेबल में भी नहीं आता। 11, तो 11 के टेबल में भी 16 नहीं आता। नेक्स्ट 12, और 12 के टेबल में भी नहीं आता। साइड में आप डिवाइड भी करके देख सकते हो, अगर तो ये 16 इन नंबर से प्रॉपरली डिवाइड होता है, इट मीन्स ये नंबर 16 के फैक्टर्स है, अगर नहीं होते तो ये सभी नंबर 16 के फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट हम लेंगे 13, तो 13 भी 16 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 13 के टेबल में 16 नहीं आता। 14 के टेबल में भी 16 नहीं आता, 15 के टेबल में भी नहीं आता, और 16 के टेबल में तो 16 आता ही। जैसे 16 1 16, तो 16 के फैक्टर कौन कौन से आए हमारे, 1 2 4 8 16। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर्स के जो फैक्टर होते हैं वो उस नंबर से लेस देन और इक्वल टू होते हैं, तो 16 का जो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है वो है 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर है मीन्स वो है 16, तो इस नंबर के इक्वल ही है ना, इसलिए किसी भी नंबर्स के फैक्टर या तो उस नंबर से छोटे होंगे या तो फिर उस नंबर के इक्वल होंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको यह सम अच्छी तरह से समझ आ गया है, और सेकंड सम के नेक्स्ट जितने भी पार्ट है वो सभी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और लास्ट में हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16 आर 1 2 4 8 एंड 16। तो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 8 एंड 16, दैट इज़ आंसर। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सम नंबर 3।
सो स्टूडेंट्स सम नंबर थर्ड है राइट द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 36. सम नंबर थर्ड में हमें ये बताना है कि 36 का स्मॉलेस्ट फैक्टर और ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है. तो जैसे मैंने स्टूडेंट्स आपको पहले बताया कि किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है वो है 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वही नंबर जिसके हम फैक्टर्स लिख रहे हैं. मीन्स 36 का स्मॉलेस्ट फैक्टर है 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर है 36 क्योंकि किसी भी नंबर्स के फैक्टर उस नंबर से लेस देन और इक्वल टू होते हैं. सो स्मॉलेस्ट फैक्टर है ऑफ 36 इक्वल टू 1 एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 36 इक्वल टू 36 दैट इज आंसर. सो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सम नंबर 5. सो स्टूडेंट्स सम नंबर 5 है मैच द नंबर्स विद देयर फ्रैक्शन. सो सम नंबर 5 में हमें क्या करना है, जैसे ये नंबर्स गिवन है और नीचे फैक्टर, तो इन नंबर्स को इनके फैक्टर्स के साथ मैच करना है. जैसे फर्स्ट है 35, तो हमें ये देखना है कि 35 का फैक्टर कौन सा है. जैसे 35 किसके टेबल में आता है, तो 35 5 के टेबल में आता है, तो इसे हम करेंगे मैच. मींस 35 का जो फैक्टर है वो है 5. तो नेक्स्ट पार्ट भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. जैसे हम 39 का भी देखेंगे कि 39 जो नंबर है उसका कौन सा फैक्टर है, मींस 39 किसके टेबल में आता है. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सब भी अच्छी तरह से समझ आ गया है, और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट जितने भी पार्ट है वो सभी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे. थैंक यू.